Hello guys, welcome to the Tax Tuber. In this video we are going to talk about how to unhide multiple Excel worksheet in a single click. So guys, let's get started. सबसे पहले आपको मैक्रो रिकॉर्ड करना है. नेम द मैक्रो अनहाइड सीट. स्टोर मैक्रो इन पर्सनल मैक्रो वर्कबुक. वाई पर्सनल मैक्रो वर्कबुक? बिकॉज अगर आप इसे पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में सेव करेंगे, ये सभी वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट ये कोड एक्टिवेट रहेगा और आप इसे सिंगल क्लिक में किसी भी वर्कबुक में रन कर सकते हो. क्लिक ऑन ओके, देन स्टॉप मैक्रो. आफ्टर स्टॉपिंग प्रेस ऑल्ट F11 एंड सर्च फॉर पर्सनल. क्लिक ऑन अ प्लस आइकॉन, देन क्लिक ऑन अ प्लस मॉड्यूल्स. अंडर मॉड्यूल 1 एक स्मॉल कोड लिखना है. देखिए, डिम sh एज अ वर्कशीट. डिम sh वेरिएबल लिख लिया. डिम sh एज वर्कशीट. For each seat, in this workbook, dot worksheets. SH dot visible equal to true. Next seat. For each seat में हमें this workbook निकालना. अगर this workbook रहेगा तो एक code सिर्फ only in this workbook, जिस workbook में हम code लिख रहे हैं उसमें run करेगा. this workbook को डिलीट कर दीजिए. अब हम इसे रन करके देखते हैं. आपको F5 प्रेस करना है. देखिए, सभी हिडन सीट्स अनहाइड हो गई. अब हम इसको रिबन में ऐड कर लेते हैं. मोर कमांड्स, इधर आपको मैक्रो सेलेक्ट करना है. मैक्रोज में पर्सनल डॉट एक्स एल एस बी अनहाइड सीट्स ऐड कर लीजिए. देन मॉडिफाई, मैं इसे आइकॉन ऐड करता हूँ, आइकॉन, और आप इसको अनहाइड लिख दीजिए. अनहाइड ओके क्लिक कीजिए. ओके, अब देखिए मैं इस सीट्स को हाइड कर दे रहा हूँ. कंट्रोल होल्ड करके सीट सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए. हाइड ओके. ये देखिए सभी सीट साइड हो गए. अब अनहाइड होने के लिए मुझे इस आइकॉन पर से क्लिक करना है अनहाइड. अब मैं एक नया वर्कबुक, न्यू वर्कबुक ओपन करता हूँ, उसमें चेक करते हैं काम. देखिए आइकॉन ऑलरेडी एडेड है. अब मैं मल्टीपल सीट्स ऐड कर देता हूँ. या तो प्लस पे क्लिक करना है या तो आप शिफ्ट प्लस F11 शिफ्ट होल्ड करके F11 प्रेस कर सकते. अब मैं इसे हाइड करता हूँ. हाइड, देन अनहाइड आइकॉन पे क्लिक करना है. सब सीट्स अनहाइड हो गई. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.